और बानसूर विधानसभा के ग्राम पंचायत खेड़ा की ढाणी खलील वाली में अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है। बता दें कि इस अवैध शराब के ठेके को लेकर ग्रामवासियों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इसी क्रम में दूसरी बार ग्रामवासियों ने संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राइडर राजेश जोशी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं प्रस्तुत ज्ञापन को लेकर देशराज मेहरा ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे गांव पंचायत खेड़ा के अंदर खलवाली रानी है, तो उसके अंदर अवैध रूप से ठेका रखा गया है और हमने जिला कलेक्टर को भी और एसडीएम साहब के पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और काफ़ी दिनों से ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज सुबह जब मैं आया तो यहाँ पे आने के बाद में कि आपका अगर ये जो कागज़ आया है वहाँ से कि वहाँ पे कोई ठेका नहीं है, जो बैरोड से कोई वो इंस्पेक्टर वगैरह बताया तो उन्होंने मतलब जो ज्ञापन भेजा यहाँ पे कि भाई वहाँ पे कोई ठेका नहीं है, तो अगर नहीं है तो वहाँ पे जाके एक बार इंक्वायरी करें, चेक करें, उसको प्रशासन को भेजे, गाँव वालों से पता करें तो पता चलेगा। तो उस ठेके को हम तो ये चाहते हैं कि जल्द जल्द हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, स्कूल के लिए रास्ता जा रहा है, शमशान भूमि है और जैसे खेत भी है पड़ोस में, जैसे पानी वगैरह लेडी से जैसे जाती है रात बिरात तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वहाँ पे शराब पीने वालों का एक झुंड सा वहाँ पे खड़ा रहता है, तो बच्चियाँ जो स्कूल नहीं जाती है बिल्कुल।